गाइस, राधे राधे। आप सभी को मेरी मेरी अनिका की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आए और हमेशा हंसते मुस्कुराते और स्वस्थ रहें, है ना अनिका? और अनिका आपको कुछ सुनाना चाहती है, विश करना चाहती है, बोलिए। हैप्पी न्यू ईयर। और शायरी के साथ में, काली काली साड़ी पे कढ़ाई नहीं होती, वीवो साहब की याद में पढ़ाई नहीं होती। गाइस, ये आवाज किसकी है? पूजा की, आपको पीछे से बोले। हाँ, गाय दूध देती है लात मार के, आपको हैप्पी न्यू ईयर आंख मार के। चूहा निकला बिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल से। और आलू चढ़े चढ़े दबाते, अब क्या था बस, आलू ऐसे ही है। आलू चढ़े चढ़े, बैगन चढ़े चढ़े, आपको हैप्पी न्यू ईयर चद्दर में पड़े पड़े, रजाई में पड़े पड़े, बासपति के चावल मलमल के धो रही थी। बासपति के चावल मलमल के धो रही थी और यूट्यूब फैमिली आपकी याद में पल पल मर रही थी। पहले जाओ ढंग से याद करके आओ। ऊपर से गिरा बम, न हड्डी न पसली न दो। का सुना रही हो? तो गाइस, मॉर्निंग से मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा है, न्यू ईयर की शुरुआत ठंडी से हो रही, बिल्कुल भी धूप नहीं। बाहर का हम आपको दिखाएंगे, लेकिन नहाएंगे और चलेंगे भगवान जी के दर्शन करने, तो बने रहिए। hey गाइस, मेरा तो दादा का मन भी दिख रहा है। और मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, इतने दिनों से मैं वीडियोस बना रही हूँ, उसमें मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो अपना समझ के मुझे माफ़ कर देना। और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, खूब पूरा साल आपका हंसते हुए बीते। लाडो, नया साल मुबारक हो, रजाई में पड़े पड़े। नया साल मुबारक हो, रजाई में पड़े पड़े, आलू टमाटर सड़े सड़े। और तुम्हारा नया साल मुबारक हो, रजाई में पड़े पड़े। हाँ बिट्टू, हैप्पी न्यू ईयर। गाइस, पड़ोस में मेरी फ्रेंड है मोनी, और गाइस हैप्पी न्यू ईयर बोली ना, हम कहे हेलो। हमको लगा कोई फोन पे बोल रहा है हैप्पी न्यू ईयर। बड़ा लफड़ा है फोन, कोई ना करी से गाइस हमका न्यू ईयर पर। एक हमारी फ्रेंड करी से सिर्फ बस लखनऊ की, अब हम उनका बैक कॉल करे जा रहे हैं क्योंकि हम उठा ना पाए रहन। बाकी हमका कोई न्यू ईयर विश ना करी से, कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो पूजा छुपती है नए साल पर गाइस, तो आप लोग सुने और शायरी इतनी सुनाई नहीं कि पूछो ना। पापा, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। ना हैप्पी न्यू ईयर बोलो पापा, हैप्पी न्यू ईयर। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। हैप्पी न्यू ईयर बोलो। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस, यहाँ पे अनिका चल रही है मंदिर, हम भी जा रहे हैं। नए साल की शुरुआत भोले शंकर के दर्शन करने के बाद ही शुरुआत होती है, और भगवान करे सभी के अच्छे अच्छे पूरा साल बीते। और पूजा की देखो, पूजा पूजा पूजा, लेट हो गया ना, थोड़ा सा लेट हो गया गाइस, क्योंकि बहुत सारे काम है। ठंडी इतनी थी, नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है ना। अनिका को भी नहलाया, इतने सारे कपड़े धुले, तो लेट तो हो ही जाता है, पर कोई ना, मैंने भी नहा लिया है जैसे भी करके। नहा ही तो लिया है गाइस, बाल भी सूखे नहीं है, बहुत सारे कपड़े धुले, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है। और हंसते हंसते दिन की शुरुआत की है हमने, सब कुछ अच्छा होगा, सब बदल, देखो गाइस नया साल बदल जाता है, लेकिन लोग नहीं बदलते। लोग की वो थिंकिंग, लोगों की वो कहते हैं ना परपंच बेवाल बड़ा होता है गाइस, हमारी तरफ इतना परपंच बेवाल होता है कि हम क्या होता है, अब नहीं,
अपनों को जीते अपने अपनों को जीने नहीं दे रहे, पर कोई बात नहीं, नया साल मुबारक हो। अगर एक छोटा सा पप्पी दिखाए हम आपको, और मम्मी हमें बड़ा डर लगता है इनसे छोटे से। नहीं 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 हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने मुझे नया साल गणेश भगवान को वहाँ पे है गणेश भगवान बहुत बार आ चुकी है। तो यहाँ पे मैंने महाकाल से आप लोगों के लिए भी दुआ की है कि आप लोग पूरा साल और आने वाले जितने भी साल हैं स्वस्थ रहिए, अपनी फैमिली के साथ में खुश रहिए, और जो भी मुझसे गलती में क्षमा मांग रही थी भोले शंकर से, और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी गाइस, नहा के तुरंत आई थी, मैं कुछ कहना चाह रही रहा टाइम। अब गाइस आप क्या सुनाई ना, काली काली साड़ी में कढ़ाई नहीं होती, सुना रहा सुना है क्या इसका इतना नया साल, मतलब साल वो होगा लेकिन लोगों की बात ना बदली है। लेकिन गाइस हम शपथ ले आवे आज के दिन कि लोग हमका चाहे जत्ता भरा बुला या जो भी कहा है गलत सलत, हम बुरा ही ना है मानव, सब राधा रानी पर छोड़ देवे, क्योंकि बहुत लोग हमारे बारे में बहुत कुछ कहते हैं। का करी गाइस कुछ समझे में ना, परपंच बड़ा मोला अनिका पलट, अनिका नहीं पलटेगी, दुनिया पलटेगी। चाची नए साल की बहुत बहुत बधाई। सेम टू यू कहे हुआ चाची कहती सेम टू यू, खुश रहो। जीवन कर लेता है सिंगार। गाइस नए साल पे सफाई करने जा रहे हो अपने रूम की, मैं टेबल नहीं पढ़ पाऊंगी। टेबल क्यों नहीं पढ़ पाएंगी आप? जब बोलेंगे तो मैं पढ़ूंगी ना। आप चलिए ठीक है, चलिए गाइस मैं साफ सफाई करती हूँ, बने रहिए आप लोग, ठीक है? जाना नहीं कहीं लोग। गाइस मैं नेहा और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे नहीं हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत मतलब रूम को क्लीन कर दूँ, क्योंकि मेरी बिट्टू की यानी कि मेरी भतीजी की मेरा उसका बरहा है, तो उसके लिए साफ़ सफाई थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। बरहा वाला वीडियो बहुत जल्द आएगा गाइस, और जितने भी न्यू आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और थोड़ा सा इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में हूँ गाइस, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको मैं कहना चाहती हूँ, चाह के भी नहीं कह पा रही हूँ। लेकिन हाँ नए साल से मैं शुरुआत करूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी, तो बने रहिएगा। कैसे हुई मेरे शैम्पू का डिब्बा फेंकने की? देखा गाइस हिम्मत दिखा रही है। अरे लादा रखिए गाइस, पूजा और अनिका लड़ाई हो रही, कहती निकल बाहर जा याद नाते की रानी। भाई हो पकड़ो यू, हाँ बस।
रहे हैं, हम क्यों हंस रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये तुमको हम दिखाते हैं गाइस, ये अमरूद के लिए लड़ाई हो रही थी, हाँ अमरूद के लिए, और पूजा के पास अमरूद था और अनिका मांग रही थी और पूजा से छीन के खाने लगी और हंसी और नोजी गिर गई पूजा के ऊपर ही, इसीलिए गाइस सभी लोग हंस रहे हैं क्योंकि अनिका को हो गया है जुखाम। नोजी गिरा थी मौसी पे, नहीं गिरी यार, बोल लेंगे मैंने अनु लेने के लिए कहा था, अच्छा झुकना था गाइस, मजा के मेरे पेट में दर्द होने लगी है, नए साल की शुरुआत हंसते हंसते हो रही है। वेरी फनी ना गाइस नोजी वाली बात। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर चुकी हूँ, कुछ बिस्तर नीचे वहाँ चटाई पे रखे थे उनको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। कैमरा मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है, मुझे अब नया फ़ोन भी लेना है, बड़े खर्चे हैं मेरे पास और कैसे क्या करूँगी। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे।